जैसे कोई गायक की हम लोग बात करते हैं तो गायक तो बहुत आगे कैसे जाता है, आवाज अच्छा होता है। कोई तुतला आदमी अच्छा गायक बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, कदापि नहीं बन सकता। इसलिए आवाज पर जितना हो सके फोकस करो, काम करो, समझ में आ। तुम्हारी आवाज को कोई और नहीं सुधार सकता। अच्छा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, मेजर ध्यानचंद का नाम सुने होंगे, हॉकी का जादूगर उनको कही जाती है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद थे। इनकी बात करते हैं, जब ये जर्मनी में खेलने गए थे ना, तो उस समय जर्मनी का शासक हिटलर था, तानाशाह जिसका नाम था, जो अपनी शासन से पूरी दुनिया को हिलाया था। और दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध उसी के कारण से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसी के कारण से हुआ था, हिटलर की वजह से। जब हॉकी खेलने गए जर्मनी में, तो कहने का मतलब क्या, हॉकी इतना ना मतलब जबरदस्त खेला खेले कि हिटलर आकर्षित हो गया। हिटलर बोला क्या कि जरूर इसके हॉकी में मतलब जो लठिया होता है उस लठिया में चुंबक लगाया होगा, तभी तो जी गोल पर गोल करते जा रहा है। तो हिटलर क्या करता है, उसके हॉकी को लाता है, तोड़ कर देखता है तो कोई चुंबक नहीं मिलता है। अब क्या होता है ना, मेजर ध्यानचंद से हिटलर आकर्षित हो जाता है। आकर्षित होने के बाद हिटलर कहता है मेजर ध्यानचंद से, ध्यान से सुनिएगा, ये बात आपकी लाइफ बदल सकती है। मेजर ध्यानचंद से कहता है ना कि एक काम कर, तुम्हारा देश तुमको दिया ही क्या, तुम्हारा देश तुमको दिया ही क्या है, है? चलो मैं तुमको अपने यहाँ का सबसे मेन आदमी बना लेता हूँ, मतलब मुख्य अतिथि बना रहा हूँ तुमको, मतलब तुमको धनी मनी मैं हर तरह से बना दूंगा, तुम मेरे हाथ सब मेरे बदौलत काम करो। जानते हैं मेजर ध्यानचंद क्या जवाब दिए थे? मेजर ध्यानचंद जवाब दिए, क्योंकि देश की बात आ गई थी, मेजर ध्यानचंद जवाब दिए कि ये देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझे आगे बढ़ाए, बल्कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देश को आगे बढ़ाऊं। हिटलर ये बात सुनकर मतलब चौंक जाता है। देखो बुआ, आपकी आवाज को कौन अच्छा करेगा ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी आवाज को कौन बेटर करेगा। तो मेजर ध्यानचंद से बातें सीखनी चाहिए।